धारा 144 उडुपी में इस वक्त लागू की जा चुकी है और हमने देखा कि ये आंदोलन किस तरह से सड़कों तक पहुंचा और कई जगह से हिंसा की भी खबरें आई। फिलहाल किस तरह की सिचुएशन आप वहां पर देख रहे हैं? जी मल्लिका, अभी तो स्कूल्स शुरू हुआ है आज। स्कूल्स अक्रॉस कर्नाटका जो इतने दिन बंद था, एक हफ्ते तक क्लोजर था ये प्रोटेस्ट की वजह से, आज स्कूल्स ओपन किया है उन्होंने, मगर फिर भी सेक्शन 144 लगाया है बहुत सारे स्कूल्स के आगे, क्योंकि जो पिछले हफ्ते हमने देखा था बहुत सारे लोग जो एक तरफ हिजाब को अलाउ करना चाहते हैं, उनको पहनना है क्लास में, वो जिद कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे लड़कों ने आके सैफ्रन शॉल पहन के आ गए गेट पे, ऐसी उनकी मारामारी हुई और बहुत ही बुरी तरह से प्रोटेस्ट हुई, स्टोन पेल्टिंग भी हुआ और उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी डिप्लॉय हुआ है। अब मैं रास्ते पे हूँ, उडुपी पे ही, यहाँ बंद है, आज 2:30 बजे हियरिंग भी है, एक हायर बेंच हियर कर रहे हैं, आपकी बात मैंने सुनी, ये डिबेट और हियरिंग एक ही बात पे अब डटी है कि इज वेयरिंग हिजाब एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम और नॉट, वो थोड़ा उसपे थोड़ा चर्चा होगा, आज ही वर्डिक्ट आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, और हमारे साथ फरहा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कोर्ट से उम्मीद लगाई जाए और कोर्ट के सामने क्या बड़े सवाल हैं। फरहा जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म है और अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जब हम पहनावे को लेकर स्कूलों में छात्रों के बीच इस तरह का तनाव देखते हैं तो वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर कोर्ट की आज की सुनवाई की बात की जाए तो क्या जनता आज उम्मीद लगा सकती है, क्या लगता है ये मामला अब शांत होगा? बिल्कुल मल्लिका, जैसे अभी आपने बताया है कि कोर्ट से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं, तो कोर्ट जो है डेफिनेटली सेक्युलर वे में इस इश्यू को जो है वो रिजॉल्व करेगी, क्योंकि कोर्ट के लिए जो प्रायोरिटी है वो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ना शरिया है ना दूसरा और कोई, किसी भी रिलीजन की जो राइट्स और रिचुअल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल नहीं कर सकती। और आज और हाई कोर्ट ने जो है वो पहले भी ये क्लियर कर दिया था कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही हमारे लिए जीता है, हम उसी की लाइट में जो है वो देखेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल राइट्स का जो है वो वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज कोर्ट जो है इस मामले को या इस इशू को सुनेगी और उस पर कुछ ना कुछ अपना ऑब्जर्वेशन देगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देश जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है लेकिन कुछ फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो इसको शरीयत से चलाने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि उन लोगों का एक मोटिव है गजवाए हिंद, कहीं ना कहीं ये चीजें जा करके वहाँ उससे जुड़ जाती हैं, तो वो चीजें जो है वो काउंटर डाउन होंगी। कोर्ट जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में जो बताएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो नापसंद करता है। अगर हम बात करते हैं कि स्कूल में जो कुछ बच्चियां हैं वो स्कार्फ ओढ़ के आना जा रही हैं, एक कपड़े का टुकड़ा ही तो है, अगर ओढ़ लेंगी तो क्या होगा, आप ये बताइए, ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, ना सिर्फ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बच्चियों के बीच में बल्कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम भी है ये, क्योंकि जो मुस्लिम बच्चियां स्कार्फ लगा करके नहीं आएंगी तो ये जो स्कार्फ वाली बच्चियां ये क्या मैसेज देना चाह रही हैं उसको कि हम मोर रिलीजियस हैं, हम ज्यादा सुपीरियर हैं और आप जो है रिलीजन को नहीं फॉलो कर रही हैं, आप इंफीरियर हैं। तो ये एक जो सोच इन बच्चों का जो एक माइंडसेट घर से बनाकर के स्कूल में भेजा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, और स्कूल का जो यूनिफॉर्मिटी है, हम वहाँ स्कूल में शिक्षा लेने जा रहे हैं, हम वहाँ अपने रिलीजन का पार्ट पढ़ने नहीं जा रहे हैं। रिलीजन अगर आपको पढ़ना है आप अपने घर में पढ़िए, मदरसों में पढ़िए, और आजकल तो नेट है, नेट में आप किसी भी कहीं भी किसी भी कंट्री में रिलीजन की क्या बात हो रही है आप उसको वहां फॉलो करिए, लेकिन स्कूल की दहलीज के बाहर ये सब चीज होनी चाहिए, स्कूल की दहलीज के अंदर आप जो है रिलीजन का परचम नहीं पहला फहरा सकते। और अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, तो देखिए कर्नाटका में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मैंने स्पीचेस भी की है, तो वहां के लोग जो है वो चाहते हैं कि भाई यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, और ये इसका सॉल्यूशन भी है, जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा
तो ये जो फंडामेंटलिस्ट है वो इसी तरह से बेबाक होकर के जी सामने आते रहेंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी की आप हिम्मत देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि एक हिजाबी महिला जो वो बिल्कुल इस पर प्रधानमंत्री। राजनीति भी हो रही है फरजी, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो माहौल है देश भर में खराब भी होता जा रहा है क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं।